फ्रेंड्स, आप सभी का YouTube ट्यूटोरियल में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम आधुनिक भारत के सर्वाधिक निर्णायक एवं महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, इसके विषय में परिचर्चा करेंगे। वस्तुतः आधुनिक भारत के इतिहास को नवीन दिशा देने वाला युद्ध था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत की विजय को सरल बना देता है। आइए देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कैसा था, इसके क्या क्या कारण थे एवं इसकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे रही और मराठे अंततः कैसे पराजित हुए। वस्तुतः पानीपत के मैदान में तीन युद्ध इतिहास में लड़े गए हैं, जिनमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। यह भी निर्णायक युद्ध था, जिसने बाबर को भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने का अंतिम अधिकार पूर्ण रूप से दे दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें अकबर और हेमू ने बीच में लड़ा गया, जिसमें अकबर ने जीत कर भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ, और यह भी एक निर्णायक युद्ध था, जिसने मुगलों को समाप्त किया, मराठों को समाप्त किया और अहमद शाह अब्दाली जीता, लेकिन इसकी विजय का फल पूर्ण रूप से चखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान में हरियाणा में अवस्थित है। इस युद्ध में इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिल्ला एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस तरीके से दो अलग अलग गुटों में उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्तियाँ विभाजित हो चुकी थी। वस्तुतः पृष्ठभूमि में जाकर देखें तो मुगल साम्राज्य का अंत तो 1748-1857 के बीच में क्रम से होना शुरू हो गया था, जब मुगलों के ज़्यादातर भूभाग पर मराठाओं का आधिपत्य क्रम से होता चला गया। 1739 में नादर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के मुगल सत्ता को पूर्णतः समाप्त करने की तरफ वह आगे बढ़ता चला गया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान की लौटने के लिए पूर्णतः विवश कर दिया। तत्पश्चात उसने अटक में पेशावर में भी अपने थाने लगा दिए, जिससे अब अहमद शाह दुर्रानी को मराठा संकट पैदा हो गया और अहमद शाह दुर्रानी को ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को और मराठों को संकट पैदा हो गया, जिससे अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं रोहिला सरदार नजीबुद्दौला भी सम्मिलित थे। मराठों ने राजपूताना में जाना शुरू कर दिया था, जिससे राजस्थान के सभी राजपूत राजा जैसे जयपुर के राजा माधो सिंह इनसे रुष्ट हो चुके थे, नाराज थे और इन सभी ने मिलकर ठाना कि मराठों को कैसे भी करके सबक सिखाया जाए। उनकी दृष्टि मराठों को उस समय ऐसा व्यक्ति ढूंढ रही थी जो सबक सिखा सके, और अहमद शाह दुर्रानी वह व्यक्ति था जो 1747 में अफगान सत्ता या दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था। सबने अहमद शाह अब्दाली को भारत आने का लगभग न्योता देना शुरू कर दिया और 1757 में पेशावर में दत्ताजी सिंधिया, जिनको पेशवा बालाजी बाजीराव ने वहां नियुक्त किया था, उनको परास्त कर भारत में घुसा था। उस वक्त सदाशिवराव भाऊ पानीपत के युद्ध के नायक थे, वह उदगीर में थे और जहां पर 1759 में निजाम की सेनाओं को उसने पराजित किया था। निजाम की सेना को हराने के कारण सदाशिवराव भाऊ के ऐश्वर्य में या प्रसिद्धि में वृद्धि हुई और वह मराठा साम्राज्य का एक ताकतवर सेनापति के रूप में गिना जाने लगा। इसीलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए उनको भी चुना, जबकि उन्होंने उत्तर में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। उस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त व्यक्ति दो थे, रघुनाथ राव होलकर और महादजी सिंधिया, परंतु इन दोनों पर विश्वास न करके बालाजी बाजीराव ने संभवतः इतिहास को जब पीछे से देखते हैं तो हमें बड़ी भूल नज़र आती है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मराठों का समय ने ही साथ नहीं दिया। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी समस्त सेना को उदगीर से सीधे दिल्ली की ओर रवाना कर दी और जहां 1760 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे,
उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार कर अनूप शहर यानी दुआब में पहुंच चुका था और वहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को एक और युद्ध में मराठों के खिलाफ रसद में मिलने का पूरा काम भारतीयों ने किया और यानी अवध के नवाब ने उनको रसद पहुंचाने का काम किया। मराठे दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने लाल किले को भी जीत लिया। यही वह समय था जब शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पहली बार लाल किला मराठों के द्वारा जीता गया। लाल किला जीतने के बाद उन्होंने कुंजपुरा पर हमला किया, जो एक अफगान सेना वहां पर थी जिसकी संख्या 16,000 से ज़्यादा थी। कुंजपुरा में अफगान सेना को तबाह कर दिया गया और उनसे रसद सामग्री, खाने पीने की आपूर्ति मराठों को प्राप्त कर ली और चांदी की चादर को पिघलाकर उनसे धन भी अर्जित किया। उस वक्त मराठों के पास उत्तर भारत में रह सकता था एकमात्र साधन दिल्ली था, परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी, पहले उन्होंने एक सेना तैयार की थी, परंतु अहमद शाह अब्दाली ने नदी पार कर अक्टूबर के महीने में और किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह और स्थिति का अहमद शाह अब्दाली ने पता लगा लिया था। जब मराठों की सेना वापस मराठवाड़ा जा पहुंच रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा था। तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया। मराठों ने भी अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया। इस तरह तय हो गया था कि जिस भी सेना की सप्लाई लाइन चलती रहेगी वही युद्ध जीत पाएगी। करीब डेढ़ महीने की घेराबंदी, मोर्चाबंदी, आमने सामने खड़े रहने के बाद 14 जनवरी 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे ये दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई। मराठों की रसद सामग्री की आमद नहीं हो रही थी और उनकी सेना में भुखमरी फैलती जा रही थी, परंतु अहमद शाह अब्दाली को रसद सामग्री, खाने पीने की सामग्री एवं अस्त्र शस्त्र साजो सामान की आपूर्ति अवध में रोहिलखंड से निरंतर हो रही थी और इसी समय युद्ध का फैसला किया गया। विश्वास राव को करीब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में गोली लगी और वह गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हुई। सदाशिव राव भाव अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे, पर उनको मृत पाया और बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिव राव भाव अपने हाथी पर नहीं है, तो पूरी सेना में एक तरह का हड़कंप मच गया जिससे सेना का कमान ना होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। इसी कारण कई सैनिक मार दिए गए, इसलिए कुछ को छोड़कर भाग गए, परंतु सदाशिव राव अंत में लड़ता रहा और युद्ध में शाम होते होते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को अच्छा समझा और उसने 15,000 सेना की जो रिजर्व सेना थी उसको युद्ध के लिए भेज दिया और 15,000 सैनिकों ने बचे कुचे मराठा सैनिकों को एवं सदाशिव राव भाव को खत्म कर दिया। मल्हारराव होलकर वहां से पेशवा के वचन के कारण साथ गई। 20 मराठा स्त्रियों को युद्ध से बड़ी सुरक्षित कूटनीति से लेकर आ गए। सिंधिया और नाना फडणवीस युद्ध से भाग निकले और कई महान सरदार जैसे विश्वासराव, पेशवा, सदाशिवराव भाव, जनकोजी सिंधिया, ये सभी भी युद्ध में मार दिए गए। इब्राहिम खान गार्दी, जो मराठा तोपखाना की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हुई और कई दिनों के बाद सदाशिवराव भाव और विश्वासराव का शरीर मिला और 40,000 तीर्थयात्री जो मराठा सेना के साथ उत्तर में गए थे उनको भी पकड़कर कत्लेआम करवा दिया गया। 1,00,000 से अधिक सैनिक लोग इस युद्ध में मारे गए। जब पुणे मराठा सेना पहुंची तो बाजीराव को बहुत अधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ और वह पानीपत की ओर चलना चाहता था। 10 फरवरी 1761 को पेशवा का पत्र में लिखा कि मैं जीत गया हूं, मैं दिल्ली की गद्दी नहीं लूंगा, आप ही दिल्ली पर राज करें, मैं वापस जा रहा हूं। अब्दाली का भेजा पत्र बालाजी बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे की ओर लौट गया, परंतु थोड़े ही समय में 23 जून 1761 को उसकी मौत हो गई, क्योंकि इस युद्ध में उसने अपने पुत्र और अपने कई मराठा सरदारों को, महान सरदारों को खो दिया था। पानीपत के साथ एक बार आता साम्राज्य का सबसे बड़ा दर्द हुआ और 18वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध हुआ और अंत में यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन रहा। सभी को मार दिया गया और वापस लौटने पर भारत का सबसे बड़ा, कई सारी विदेशी ताकतों में भारत में आने लगी। 1761 में माधवराव द्वितीय पेशवा बना। उसने महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस की सहायता से उत्तर भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया। 1761 से 1772 में रोहिलखंड पर आक्रमण किया और रोहिलखंड में नजीबुद्दौला के पुत्र पूरी तरीके से पराजित हुआ, पूरा रोहिले को ध्वस्त कर दिया, नजीबुद्दौला की कब्र को भी तोड़ा गया, संपूर्ण भारत पर फिर अपना परचम फैला दिया गया और दिल्ली को वापस उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और पूरे भारत पर शासन किया, फिर से प्रारंभ कर दिया। महादजी
मोरारजी सिंधिया और नाना फडणवीस की मराठा पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा। माधवराव पेशवा की वजह से यह सब हो सका और वापस मराठा साम्राज्य बना। बाद में मराठों ने ब्रिटिश को भी पराजित किया और सालवाई की संधि वगैरह, ये सब कहानियाँ हम मराठा और आंगल इतिहास में पढ़ रहे हैं। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से रहा और कहीं सारे महान सरदार मराठा इस युद्ध में लड़े और वे मारे गए। इसमें सदाशिवराव भाव, शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गार्दी, विश्वासराव, जनकजी सिंधिया आदि की मृत्यु हुई। इस युद्ध के बाद अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों की वीरता को लेकर उनकी काफ़ी तारीफ की और मराठों को सच्चा देशभक्त भी बताया। इस युद्ध में मराठा के लगभग सभी छोटे बड़े सभी सरदार मारे गए। इस संग्राम पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार जे एन सरकार ने लिखा है कि इस देशव्यापी विपत्ति में संभवतः महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसका कोई ना कोई सदस्य इस युद्ध में मारा ना गया हो। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 के बारे में विस्तृत परिचर्चा की।